सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। बहुत अच्छा होना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि पता नहीं चलता कि लोग आपकी कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। आज का पंचांग 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दोपहर 11:24 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र शाम 4:24 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर 15 अक्टूबर सुबह 5:21 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। आज लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। हिंदू पंचांग के गणना के मुताबिक साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर यानी आज लगेगा। भारतीय समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण आज रात 8:34 से प्रारंभ हो जाएगा, जिसका समापन मध्य रात्रि को 2:25 पर होगा। यह सूर्य ग्रहण वल्याकार में होगा, जिसमें आसमान में सूर्य एक रिंग यानी अंगूठी के आकार में नजर आएगा, जिस कारण से रिंग ऑफ फायर भी कहा जा सकता है। ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, ऐसे में यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका साइड इत्यादि जगहों में दिखाई देगा, भारत में नहीं। सूतक काल मान्य होगा कि नहीं, बता दें कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की सूतक काल की अवधि भिन्न भिन्न होती है। जहां सूर्य ग्रहण की सूतक काल 12 घंटे का होता है, तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे का होता है। साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं नजर आएगा, ऐसे में सूतक काल मान्य नहीं होगा। कर्क राशि 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार, आज आपके लिए गंभीरता से मेहनत करने का दिन है। आप काफी लंबे समय से अटक रहा एक काम संतोषजनक ढंग से पूरा करने में सफल रहेंगे, इससे आपके अवसर प्रभावित होंगे। आज आप पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की भी नजर पड़ेगी और इस बात का आपके भविष्य पर काफी प्रभाव पड़ेगा। आज कर्क राशि के लोगों को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन लाभ के नए मार्ग भी प्रसिद्ध होंगे। आज आप अपनी रूटीन लाइफ में कुछ न कुछ नया करने की सोचेंगे, नए ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर महसूस करेंगे। फाइनेंस संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी होंगे। फिलहाल के समय में काम पूरा नहीं हो पाएगा, आपको केवल अपनी बातों पर ध्यान देना होगा। सतर्कता रखें, स्वभाव की नकारात्मक पहलू जल्द ही बदलेंगे तो निराशा जल्दी दूर हो सकती है। आज पुरानी समस्याओं के हल खोजने की जरूरत है। बड़ा अवसर प्राप्त करने के लिए किसी से मदद लेनी होगी। रिलेशनशिप की बातों को समझने की कोशिश करें, स्वभाव में बढ़ रही चंचलता के कारण गलती हो सकती है। बढ़ते वजन को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर से परामर्श करें। सावधानियां, सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है, क्योंकि किसी भी निर्णय को लेने में बहुत अधिक समय लगाने से कई उचित मौके हाथ से निकल भी सकते हैं। दूसरों की सलाह पर अमल करते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार भी अवश्य कर लें। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी तथा जीवन साथी का पूर्ण सहयोग रहेगा। विपरीत लिंगी लोगों से एक निश्चित दूरी बनाकर रखें। यह समय उन सभी रिश्ते को मजबूत करने का समय है जिनको आपने अपने प्रेम प्रसंग के लिए कुछ पीछे छोड़ दिया था, जिसमें आपके माता पिता बहन भाई और आपका पूरा परिवार शामिल है। आपको यह एहसास करने की जरूरत है कि यह रिश्ते किसी भी चीज से कम महत्वपूर्ण नहीं है और यह आपको मूल्यवान समर्थन प्रणाली प्रदान करते हैं। आपको अपने प्रेम के रिश्ते की तरह ये रिश्ते भी पोषित करने की जरूरत है। बात करते हैं करियर की। आप उस पैसे के साथ काफी लापरवाह हैं जो आपने
अपनी जरूरत के लिए बचाया है, लेकिन आपको भविष्य में अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए अपनी आदतों को नियंत्रित करना होगा। आप अपने निवेश के बारे में एक विशेषज्ञ से परामर्श करें जो आपको धन के बारे में उचित परामर्श दे सके, जिससे धन की वृद्धि हो। कारोबार में स्टाफ पर सहकर्मी के साथ चल रही गलतफहमियों को शांति से दूर करने की कोशिश करें। गुस्से और आवेश में आने से परिस्थितियां और बिगड़ सकती है। अधिकारियों के साथ संपर्क में रहने से आपके लिए फायदेमंद स्थितियां बनेगी। बात करते हैं सेहत की। आज खूब शारीरिक मेहनत वाले काम करें, आपको बहुत जल्दी ऐसा कोई काम करने के लिए बुलाया जाएगा जिसमें इतने शारीरिक स्टेमिना की जरूरत पड़ेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप में इतना स्टेमिना हो सकता है। आज थोड़ा कम खाए नहीं तो पेट की समस्याओं के साथ साथ और दिक्कतें भी हो सकती हैं। आपको तनाव को दूर भगाने के लिए सांस से जुड़े व्यायाम करने चाहिए। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।